नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम हैं योग और योजो भाई, मतलब यूपीएसआई की फिजिकल तैयारी कर रहे हैं और उनकी सांस की प्रॉब्लम है। तो सांस मारते वक्त बस कुछ नहीं करना है आपको, सांस तेज तेज से लेना है, जैसे इस तरह से जब रेस मारे बिल्कुल स्लो, इस तरह से स्टेप वाइज में। तो साथ साथ मतलब दौड़ते रहें और सांस ये इस तरह से फुल फ्लो में लेते रहें। इस तरह से मतलब 20-25 मीटर जब ऐसे बिल्कुल स्लो भागे और 20-25 मीटर तक इस तरह से सांस ले, उसके बाद अपना स्टेप बढ़ा ले। स्टेप यानी कि पांव जो है उसको जैसे इस तरह से सांस लेते रहें 20-25 मीटर तक दौड़े, उसके बाद जो है ये वाला सीधा ये वाला बिल्कुल उठा लें। ये मतलब ये जो पॉइंट है इस पर यहाँ तक भिड़ाएँ, इसको यहाँ तक, इसको भी 25-30 मीटर इस तरह से चलें, उसके बाद फिर स्लो हो जाएं। स्लो होने के बाद इस तरह से खुल पूरे प्रेशर में करें। तो जहाँ तक हमारा अनुभव है कि इससे सांस और पांव की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और रेस मारने के बाद पूरी कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, खाली ना बैठे, उससे भी बहुत बढ़िया फ़ायदा रहेगा। रेस मारने के बाद पूरा जितना पाँव का प्रैक्टिस है वो करें, पैर की दाएँ बाएँ, और कोशिश करें कि गर्म तेल सरसों का हो। रेस मारने के बाद घर पे जाए तो लगा लें सुबह और शाम दोनों टाइम, उससे पाँव मजबूत हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी यूपीएसआई वाले भाइयों के लिए। और जो जो मतलब इस तरह से अगर शुरू में अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से बढ़िया और कोई वो नहीं है। और पंजे के बल दौड़े, ना कि इस वाले बल से नहीं दौड़ना, यहाँ से दौड़ना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये वाला, ये सिरा उठाना, ये वाला उठा होना चाहिए अपना एड़ी, और पंजे के बल इस तरह से कोशिश करें, इस मतलब इसको पूरा नहीं रखना है, ये वाला इसको पूरा नहीं रखना है, ये वाला इस तरह से, इस तरह से जब आप दौड़ोगे इससे भी आपका स्टेप बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये भाई अपना अनुभव है, अनुभव आपको बताया हूँ, रेस में कोई कमी नहीं आएगी। और अपना जो चक्कर है 4800 मीटर का, यानी कुल 5 किलोमीटर आप डेली रेस सुबह सुबह करें, सुबह करोगे तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया रहेगा। अभी देखिए बहुत ज़्यादा धुंध है यानी कोहरा है, फिर भी रेस मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।